So I showed you my life, I showed you my family, I showed you how I live, I showed you my food, I showed you my hangout places, I virtually showed you everything. मैंने आपको हर एक चीज दिखाई है. और प्रसाद, I want to ask you something. क्या मेरा बंद कर? Drop it. Why you want to stop vlogging, man? गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर ब्रिलियंट वीक स्टार्ट्स विद अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे. एंड आज सुबह उठ के मैंने देखा तो कुछ लेटर्स आए थे, तो मैं आपको लेटर दिखा दूं. तो ये लेटर तो आया था मुझे गूगल के तरफ से, तो ये गूगल के तरफ से आया था. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज हैंड रिटन. सी दैट? और दूसरा लेटर जो है, दैट इज समथिंग स्पेशल. लाइक सी दिस, ये मेरे न्यूज़पेपर के अंदर था, घर के बाहर जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर था. एंड दिस इज द थिंग व्हाट वाज इनसाइड, एंड इट इज बाय योर सीक्रेट एडमायरर, बाय माय सीक्रेट एडमायरर. समटाइम्स द मोटिवेटर नीड्स मोटिवेशन. आई डोंट नो. अनदर ब्यूटीफुल केक बाय दीपिका बेक्स फॉर जय एंड रुचि. दीस गाइस हैव बॉट दिस वंडरफुल मिठाई फॉर मी. दिस इज बंगाली मिठाई, राइट? इसको क्या बोलते हैं? या दिस इज मलाई सैंडविच. ओ, मलाई सैंडविच. इट्स आवर फेवरेट फ्रॉम ब्रिजवासी घाट को पर ईस्ट. एंड हाउ डिड यू नो दैट? फ्रॉम द व्लॉग्स. थैंक यू. लाइक एन इनकंसिडरेट ऑब्नॉक्सियस स्काउंड्रल. इनकंसिडरेट ऑब्नॉक्सियस स्काउंड्रल, इतना सब शब्द वापर दिया तो मेरा मम्मी बोलता है कि शी डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल दोस वर्ड्स. बट चलो, इनकंसिडरेट समझ गया, कंसिडरेट का ऑपोजिट. और स्काउंडरल भी समझ गया, क्योंकि वो गाली बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड है इंडियन फिल्म्स में. पर ये ऑब्नॉक्शियस क्या होता है? तो दिस इज वन ऑफ द वर्ड्स. ऐसे मल्टीपल वर्ड्स लेके मेरी मॉम रोज मुझे परेशान कर दिया. अब द प्रॉब्लम इज, मैं जो समझाने जाता हूँ वो इंग्लिश में होता है. आपने यहाँ पे देखा होगा मेरे काफ़ी सारी डिक्शनरीज है यहाँ पे, उसमें जो मराठी डिक्शनरी है इंग्लिश टू मराठी, उसमें भी वो सारे वर्ड्स नहीं है. सो दैट इज द रीजन आई वॉज सर्चिंग फॉर अ एप्लीकेशन. And finally, 2 days back, I got one application which actually is very nice. I am loving it क्योंकि बहुत easy पड़ रहा है mom को सब समझाने में. But now what I've decided is, मैं mom के mobile में directly डाल देता हूँ, तो वो बीच का जो है gap वो ही खत्म हो जाएगी. तो the application name is YouDictionary. Help her download it. The application is good, मतलब उसका जो UI है काफ़ी simple है. अभी देखते हैं मॉम को कैसा मतलब जमता है कि नहीं. लेट हर डाउनलोड इट, लेट हर डाउनलोड इट. तू ना को करूं देव. देयर इज आवर मॉम ट्राइंग टू डाउनलोड द एप्लीकेशन. वी हैव एक्चुअली टॉट हर द कंप्लीट प्ले स्टोर, तो अभी उसको खाली बताया यू डिक्शनरी. शी हैज सर्च्ड इट राइट, सो हियर शी इज ऑन द एप्लीकेशन एंड शी इज गोइंग ऑन इट. आता गए इंस्टॉल. अच्छा, ये तो ये सीखते है. इट वाज 2.25 MB. अच्छा, इट इज जस्ट 2.25 MB बिकॉज शी इज ऑलवेज क्राइंग अबाउट द इंटरनल स्पेस. I think it's done. Open it. Yeah. So this is how the interface looks like. There is also option of offline dictionary. English Marathi बने. पहले वो डाल दो. पहले वो डाल दो. So guys, English into Marathi डाल के, English offline dictionary डाल के भी सिर्फ 14 MB कुछ space खाता है ये application. Now you should not ask me, okay? Okay. Okay, and there we have the word. We have the word. It has already prompted us. Selected. अरे तिकड़े ना मम्मी, इकड़े मम्मी होता. This is the last time I'm showing you, okay? घृणित, अप्रिय, ठेस पहुंचाने वाला, निंद्य. अभी यह मैं इंग्लिश में ही समझा पाता था, अभी ये सब वर्ड तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ. एंड यू कैन इवन डू दिस. तो अगर आपको पता नहीं होगा कि प्रोनाउंस कैसे करना है वर्ड को, प्रोनंसिएशन, तो उसमें भी हेल्प करता है ये एप्लीकेशन. सो इट इज गुड. आपको मराठी में इन्फो मिल रहा है, हिंदी में इन्फो मिल रहा है. देर आर 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस. मम्मी, हाँ, देर आर 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस. एंड आपको सेंटेंस के फॉर्म में भी मिल जाता है पूरा मीनिंग. सो दैट वेज इट इज रियली हेल्पफुल. दीपू सर, व्हाट इज थग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थग? थग मॉम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थग? इंसर्ट, लुटारू और चोर. वी डोंट कॉल यू थग. नो, वी डोंट कॉल यू थग, वी कॉल यू थग. थग. ओ शिट, इट एक्चुअली मींस दैट. व्हाटएवर. And yeah guys, if you want to download this application because it is really helpful for your parents especially, so yeah, I'll give it in the I button and also in the description down below. And YouDictionary guys, if you're watching, yaar bahut promotion kar diya, contact karo yaar mujhe abhi. They are waiting for WTV. So guys, today is a Tuesday and subah se actually main aap sabhi ke messages ka reply kar raha tha aur pura mera pura din usi mein gaya hai. In fact, agar main sirf baith ke pura din aapke message kholu, दूसरा खोलूँ, तीसरा खोलूँ, चौथा खोलूँ, पांचवा खोलूँ, ऐसे करते रहूँ, मेरा पूरा दिन उसी में चला जाएगा.
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट आंसरिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हु आस्क मी कि ये प्रॉब्लम हो गया है अभी मैं क्या करूँ, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम नॉट आंसरिंग एनी मोर, क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है. एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जो लोग मुझे प्रमोट करने को बोलते हैं, इफ यू वांट मी टू गिव यू अ शाउट आउट और शेयर योर समथिंग, शेयर योर वीडियो, एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. सो दीपिका बेक्स और UIC के वर्किंग आवर्स खत्म हो गए और वर्किंग आवर्स खत्म होने के कारण हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी. आई डोंट नो वेयर बट या पवई साइड जाते हैं. हां लेट्स गो. मुझे पवई अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे भी अच्छा लगता है, कसरत की वजह से ज्यादा अच्छा लगता है. I'm at Ghatkopar West right now and that behind you see is Roshan Motors. वहाँ से मैंने काड़ू खरीदी थी. And while I was riding, this thought came in my mind कि मैं आपको वो सारी जगहें दिखाऊँ जहाँ पे मैं शादी से पहले जाता था, मैं और दीपिका. So this is one of the place, this डोसा वाला here at Ghatkopar West near सर्वोदय या near Roshan Motors. यहाँ पे we used to come regularly and after having a dosa here we used to go to Pavai. So yeah. So what are we having? Masala dosa. A favorite. Cool. तो अर्लियर आई टोल्ड कि मैं किसी का चैनल प्रमोट नहीं करने वाला, तो दीपिका बोल रही थी ऐसा मत कर, प्रमोट किया कर. तो अगर आप मेरे कंज्यूमर्स के लिए कुछ अच्छा बना सकते हो, अगर वो अच्छा क्वालिटी होगा तो ही मैं प्रमोट करूंगा और फेसबुक पेज पे शेयर करूंगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पॉट गाइस. दिस इज अ सेकंड अड्डा, शशिकांत जूस सेंटर जो है यहाँ पे हम लोग जूस पीते थे. और अंदर ये जो गली जा रही है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सैंडविच मिलता है. ये श्रेयस सिग्नल के बिल्कुल पास में है, अंदर के बाजू बहुत अच्छा सैंडविच मिलता है. तो वी रीच पवई गाइस और क्या हुआ कि मेरा बैटरी जो है वो खत्म हो गया. सो आई हैड टू कीप द कैमरा ऑन चार्जिंग एंड सो आई कुड नॉट शो यू सम प्लेसेस व्हिच आई वांटेड टू शो यू, बट सब चीज़ें एक वीडियो में तो नहीं दिखा सकता ना मैं. सो दिस स्टारबक्स या दिस वन पवई वाला, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे. दैट वॉज आवर फर्स्ट डेट. और इट वॉज जस्ट अ मीटिंग, नॉट अ डेट, बिकॉज वी वर जस्ट फ्रेंड्स बैक देन. सो आई मेट आनंद पांडे जो कि हमारे इंडियन कंज्यूमर फैमिली के मेंबर है. सो जस्ट मेट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर योर एंड दिस इज द प्लेस. दिस लाइक हम लोगों ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, कुछ भी करते थे. वी यूज्ड टू चेक आउट गर्ल्स एंड गाइज और उनको रेटिंग देते थे, तो मिल बांट के ऐसी सब चीज़ें की है. बहुत गंद मचाई है और पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, तो यार सोचते रहता था कौन सी दुकान में जाऊँ. अभी साथ में दीपिका है तो ऐसे कैसे बोल नहीं सकते ना कि यार कंगाल हूँ. तो गुड ओल्ड डेज, क्रिस्पी क्रीम, डोमिनोज. एंड फ्रॉम स्टारबक्स लेटर वी केम टू सबवे एंड द बेस्ट पार्ट वॉज हम दोनों को सबवे अच्छा लगता है. तो एक दिन में ओवरऑल मेरा 1000 रुपये का खर्चा हो गया था. On our first meeting. But I was going to pay, okay? Yeah, she was going to pay, but did not pay. I had to pay. What I'll do? Yeah, that is what a gentleman does, right? ऐसी थी हमारी पहली डेट. लेकिन not a date, just a formal meeting, yeah. जिसमें इसने भुक्कड़ की तरह सबवे खाया था. और मैंने भी. तो यार वहीं पे कनेक्शन हो गया शायद. And he was apparently watching my video right now. Nice to meet you, man. Our next spot, guys, was this Pavika Naturals. और नेचुरल्स में अगर आप रात के टाइम पे आओ तो शायद आपको कोई सेलिब्रिटीज़ भी मिल जाए. और नेचुरल्स में हम लोग को एक्चुअली दो ही फ्लेवर अच्छे लगते हैं, टेंडर कोकोनट एंड सीताफल. टेंडर कोकोनट इट्स We have been to this restaurant and look at this, look at that. Okay, maze kind of thing. The restaurant was called as Breeze and yahan pe hum log regularly nahi aate the. First time aaye. Kabhi bhi nahi aaye in fact. Arey, log ne press nahi kiya. Need to go down. Kharab ho gaya.
Yeah. So yeah, it was the first time. You see that blue light there? Yeah, that is where we were. And one pizza, two drinks, and a starter. Total bill 1500 rupees. So yeah, it was kind of expensive, but the ambience, the feel, the look and feel, the overall experience, the kind of mood it sets up, it was worth it. अच्छी जगह है. Yeah. एक बार जाने में कुछ problem नहीं है. एक बार जाने में कुछ date पे जाने में कुछ problem नहीं है. लेकिन we visited for the first time हाँ. Yeah. चलो अभी Chinese खाते जाके. Is it really worth it? Yes. No, I don't think so. पावे में आके निखिल से नहीं मिला ऐसे तो हो नहीं सकता. Right. और निखिल के घर पे मुझे बहुत ही बढ़िया चीज मिली है. So this is a fan art जो निखिल को मिला है जब निखिल कोलकाता गया था. And look at my setup. It is so small. And you will get to see Nikhil's setup in my vlog. It is humongous. Upcoming vlogger. आशीर्वाद. Red cat के बाल झड़ रहे हैं. Why did I start? Did I give a reason when I started? No. I will document things, but they will be for us. पैसे चबा रहे थे. It's a girl. It's a girl. It's a rasgulla. खारी बिस्किट. Now this is what I used to do जब मैं छोटा था. मैं ये बॉर्नविटा में खाता था. बहुत टेस्टी लगता है. कभी ट्राई करिए बॉर्नविटा में खारी खाने को. माशा अल्लाह सुभान अल्लाह. So as I told on Facebook that I've ordered a lot of things from Myntra for Deepika. I've ordered shoes for myself. You can see the MRP 1299, but we got it for 500 rupees and now it is for 649 rupees. So yeah, nice. The material is good. वाह 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 वाह. जा जा चल. It has somewhere affected me on a really deep level. नहीं ये बूट पॉलिश का ब्रश नहीं है, ये दाढ़ी के लिए है. बाय सेंट बियर्ड. 400 रुपये में लिया है मैंने ये अमेजोन से और मज़ा नहीं आया. मत खरीदी है. दाढ़ी अगर थोड़ी कम घनी होती तो शायद ये अच्छे से परफॉर्म करता. इसके अलावा अगर आप वो नाई के पास जो गोल वाला ब्रश रहता है ना, गोल वाला जो ऐसे ऐसे घुमा के, हाँ वो वाला अच्छा रहेगा, वो खरीदो. और पैकेजिंग अच्छी थी, सब अच्छा है. 400 रुपये बहुत ज़्यादा होते. और ये बात समझ में नहीं आई यार, बी द मैन यू कैन बिकम. आई एम अ मैन, उसकी वजह से तो दाढ़ी आती है. दाढ़ी ग्रो करने को भले ही लोग मैनली मानते हो, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ मैनली थिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है, उसको ग्रूम करना पड़ता है और बहुत चोचले दाढ़ी के. एंड यार चोचला रिमाइंड्स मी ऑफ द प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग फॉर द बियर्ड. तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे बियर्डो, बोल रहे थे बियर्डो का रिव्यू करो. तो आई बॉट टू प्रोडक्ट्स बाय बियर्डो विच आर द बेस्ट सेलिंग एंड द मोस्ट नाइसली रेटेड प्रोडक्ट्स. तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो यर आर द टू प्रोडक्ट्स और इसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो नहीं बना रहा हूँ. अगर आप लोगों ने मुझसे पूछा बियर्डो का अभी तक नहीं किया, बियर्डो का अभी तक नहीं किया, इसका मतलब आप ब्लॉग नहीं देखते, वो मुझे समझ में आ जाएगा. सो या दिस इज द ऑयल एंड दिस इज द वैक्स. दोनों भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ करीब करीब 4-5 दिनों से और आई कीप इट सिंपल, डोंट बाय देम. Useless, chochla, hashtag chochla, don't buy them. Okay, I understand, some of you won't go with my word, so here is the thing. Wax जो है वो आपको white wax दिखेगा आपके मूछ में, बिल्कुल भी आपके मूछ को stiff नहीं करेगा. ये कड़वा नहीं है, unlike उस तरह wax जो कि कड़वा था. तो ये wax और अगर उस तरह wax को मिला दे और उसकी कड़वाहट निकाल दे तो शायद एक अच्छा wax बन पाएगा. But this individually, see this, it looks like, I don't know what, but yeah. डोंट बाई, डोंट वेस्ट योर मनी बिहाइंड दिस, बिल्कुल नहीं. और ये जो ऑयल है, ये ऑयल, ये बॉटल बार बार लीक होती रहती है. इसका ये चीज़ मुझे इतनी इरिटेट कर रही है, ये बॉटल बस लीक होती रहती है सब जगह से. दिस थिंग, ये जो ऊपर दबाने वाला ड्रॉपर काइंड ऑफ थिंग है, इसमें से ऑयल रिसते रहता है. मतलब आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ मटीरियल दे हैव यूज्ड. दिस इज ग्लास, तो ये गिरेगी तो फूट जाएगी. द ऑयल इज गुड, वो लोग ने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, बहुत कुछ यूज़ किया है, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग. ये आपको थोड़ी देर तक शाइन देगा, स्मूथ नहीं करेगा, सॉफ्ट भी नहीं करेगा दाढ़ी को. वेस्ट ऑफ मनी यार, इससे अच्छा वो हिमालय का क्रीम यूज़ करो. हिमालय हेयर प्रोटीन विच आई यूज़ फॉर माई हेयर, आई यूज़ दैट फॉर माई बियर्ड एज वेल. और अगर कुछ नहीं मिला तो साजुक तूप लाविन.
It's a bad, bad world. अभी मैं अपनी लाइफ दिखा रहा हूँ, तो ये एक तरफा रिलेशनशिप है ना, उससे कभी कभी थोड़ा है ना यहाँ पे कुछ होता है. क्रिएटिव पर्सन जो होता है बहुत इमोशनल होता है. आई स्टिल डोंट नो, मैं अभी भी ड्यूअल माइंड में हूँ, शायद मैं बंद कर दूँ व्लॉगिंग. I am Nihal, I am biggest fan of him. He is my favorite YouTuber. He rocks. Thank you so much. God of India in YouTube. That's too much, bro. We love you. हमेशा की तरह मैंने कुछ नया करने को ट्राई किया, पिटिशन बनाया. मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऐसे सब काम करने की. मैं ट्रेंडिंग टॉपिक का हिंदी एनसाइक्लोपीडिया बना के बहुत कुछ कमा सकता हूँ और बहुत बड़ा बन सकता हूँ यूट्यूब में. कैसे कमाना है ये मैं जान गया हूँ यूट्यूब पे और मेरे और भी चैनल्स हैं, जिसे मैं सबसे रिस्पेक्टेड टेक चैनल मानता हूँ इंडिया का, C4ETech. उन्होंने प्रमोट किया हमारा पिटिशन. गैजेट्स टू यूज़ ने हमारा पिटिशन प्रमोट किया, शेयर किया, ट्विटर पे उसे रीट्वीट किया. तो थैंक यू सो मच. मैंने सोचा था 10,000 सिग्नेचर्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं पिटिशन सब जगह फॉरवर्ड करूंगा आगे, पर पता नहीं 10,000 हो भी पाएंगे कि नहीं. तो अगर अभी तक आपने साइन नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, पढ़ लीजिए एक बार. ऐसा नहीं बोल रहा कि आँख बंद करके साइन कर लो, पढ़ लो एक बार. अगर आपको सही लग रहा है तो साइन करो, नहीं लग रहा है तो मत करो. मुझे लगता है कि C4ETech गैजेट टू यूज़ काफ़ी बड़े नाम है. अगर वो शेयर कर रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं, अगर मैं ही एक बना रहा हूँ, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है. या तो बता दीजिए, नहीं करूँगा ऐसे सब. एंटरटेनमेंट चाहिए, घूमता हूँ दुनिया भर, घूमता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, देता हूँ आपको, कर सकता हूँ. आई वेंट टू द पीओ बॉक्स. पीओ बॉक्स में भी काफ़ी सारे मेल्स आए थे. रोहित बुद्धि राजा का ये जो है थर्ड मेल है, 3 पेजेस का लेटर है पूरा, 4 पेजेस, प्यारा सा कैलेंडर भेजा है. तो सब जगह से जहाँ जहाँ से हो सके उसने पिक्चर्स निकाल के ये पूरा कैलेंडर बनाया है और बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हैं. दिस इज दिस चैनल्स नेम. इफ़ यू लाइक इट देन गाइज डू सब्सक्राइब इट. एंड थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच. आप हमेशा मुझे लेटर्स भेजते हो. रोहित ने ग्रीटिंग कार्ड भी भेजा है जो कि बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखा दूँ. और ये जो मेल है रोहित ने भेजा था 12 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर का अभी मुझे जाके मिला है, तो इतना टाइम तो लगता है पोस्ट. और दूसरा जो लेटर मुझे आया वो सौरभ राजा से. मैं उल्टा करके नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर काफ़ी चीज़ें हैं, पर इसने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेंशन की है. वो ये है कि गाँव में भी मेरे वीडियोज़ देखे जाते हैं, सिर्फ शहरों में नहीं, ये गाँव से है. और एक और लास्ट लेटर जो है वो मैंने खुद के लिए लिखा था, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि मेरे पीओ बॉक्स में एक्चुअल में मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पीओ बॉक्स पूरा खाली पड़ा था. तो अगर आप लोगों ने मुझे पीओ बॉक्स में कुछ भी भेजा है और अगर अभी तक वो मेरे पास नहीं पहुंचा है तो मुझे प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग ढूंढ सके कि एग्जैक्टली वो चीज़ गई कहाँ पे. कुल पिछले हफ्ते आपने देखा होगा मैंने एक पिटिशन शुरू किया है, और हमेशा की तरह मैं ये पिटिशन मैंने सब जगह शेयर किया. व्हाट्सएप पे जब मैंने शेयर किया, मुझे एक दोस्त ने रिप्लाई भेजा कि प्रसाद ये सब दुनियादारी क्यों कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट उठा ले मार्केट से और बस रिव्यू कर, हफ्ते के 2 रिव्यू डाल, एक ब्लॉग डाल, एक सुपर कंज्यूमर डाल, 2-3 साल आराम से निकाल ले, बहुत पैसे कमा लेगा. मैंने बस उससे इतना ही पूछा कि क्या तुझे रिफ़ंड जल्दी चाहिए, तुझे इंटरेस्ट है उसमें कि रिफ़ंड तुझे 48 आवर्स के अंदर मिलेगा, तो विल यू बी हैप्पी विद दैट. और वो बोला हाँ बिल्कुल. तो मैंने बोला फिर कौन लेगा इसके लिए इनिशिएटिव, कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन करेगा ये काम? तो वो बोला कोई भी कर ले, तुझे क्यों करना है? क्या मेरा ये सोचना गलत है कि आई एम डूइंग यूट्यूब फॉर अ कॉज, अ बिगर कॉज? इट्स डिफिकल्ट, इट्स रियली डिफिकल्ट टू हैंडल हेट गाइज. आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आपकी लाइफ एक्सपोज नहीं है कैमरा पे, पर इट डिफिकल्ट होता है. एंड व्हेन People don't appreciate that. It hurts. थोड़े लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं. सब लोग तो वैसे नहीं है ना. That's what I said. There is a majority which is good. Then, and this little is bad. And so, that bad has started causing problems. और एक चीज जो खराब लगी वो मतलब people are saying they'll unsubscribe my channel if I stop vlogging. Go for it. Do it right now.
Prasad made your Indian consumer. Prasad made WTV. Prasad made his career. He's going nowhere. But he can take his creation out because it is his made. I think people don't understand the gravity behind it. Nor does YouTube understand it. Every good thing has to come to an end someday. And I like to end on a high note. Janta Janardhan. Jaake ek baar trending ka section kholo, dekho kya aa raha hai. This is the place I work for, work in, represent. Jaake raste pe puppy lete firta hu ladkiyon ki, trending mein aa jaunga. अच्छी चीज देखना नहीं आजम होता है लोगों को. पीपल डोंट वॉन्ट गुड थिंग्स. फाइटिंग मीडियोक्रिटी, इट कैन गेट डिफिकल्ट. ट्रस्ट मी, इट अफेक्ट्स यू हियर. एंड द बेस्ट पार्ट इज मैं कुछ निकाल नहीं रहा. जो कुछ बनाया हुआ है वो है चैनल पे, वो रहेगा. आई एम अ रिव्यूअर. मैं ई कॉमर्स कंपनीज के अगेंस्ट जाता हूँ और एक पिटिशन बनाता हूँ जिससे मुझे ही अफेक्ट होने वाला है. एफिलिएट इनकम से मेरा पैसा आता है. मैक्सिमम जो पैसा मैं कमाता हूँ वो अमेजोन फ्लिपकार्ट के एफिलिएट अर्निंग से कमाता हूँ. मैं ई कॉमर्स साइट्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी रिस्क है. 72 आवर्स भी मिल जाए ना, उसके अंदर रिफंड आ जाए तो आई बी सैटिस्फाइड. मुझे अच्छा लगेगा कि लोगों के पैसे अटके नहीं रहे. और उस पिटिशन को सिग्नेचर कितने आते हैं जाके देख लो. मतलब बनता है. People just want entertainment, 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 and I, my friends, am not entertainment. The clown refuses to juggle. Yeah.